1971 पाकिस्तान विपक्ष युद्ध में भारत विजय को आज 50 वर्ष पूरण हो युद्ध में वीरत्व प्रदर्शन कर भारतीय जवान सम्मानार्थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आउ किसी समय पर दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल जाई स्वर्ण मशाल प्रज्वलन करेंगे। प्रधानमंत्री सहित प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीन सेना मुख्य नेशनल वार मेमोरियल उपस्थित रहेंगे। 1971 में युद्ध पर पाकिस्तान अलग स्वतंत्र बांग्लादेश गठन होता पाकिस्तान 93,000 सैनिकों को भारत आगे आत्मसमर्पण करने को पड़ा। तबे आपण माने सीधासळख चित्र देखुछंती जोंठारे कि आ किछि समय पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाई पहुँचे एवं केउभळे भावे सेठारे जाई प्रदीप प्रज्वलन करिवे। आज को जदि कहबा कि आज को 50 वर्ष पूरी भारत पाक युद्ध को 50 वर्ष पूरी जो अवसर में प्रधानमंत्री मोदी आ किछि समय पर सेठारे पहुँचे एवं पहुँचा पर सेठारे प्रदीप प्रज्वलन करिवे। केवल प्रधानमंत्री नुहंती तांक सहित प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत और तीन सेना मुख्य मध्य पहुँचे। आपण मैंने सीधासलख से ही चित्र देखिपुटी नेशनल वार मेमोरियल ठारे दिल्ली स्थित नेशनल वार मेमोरियल ठारे ही ये सब कार्यक्रम आयोजन कर पूरा प्रस्तुति चली समस्ते उपस्थित अच्छा डिफेन्स पर्सन मैंने उपस्थित अच्छा सैनिक मैंने पूरा प्रस्तुति कर किसी समय पर आ प्रधानमंत्री मोदी सेठारे जाए पहुँचे एवं जहाँ कार्यक्रम रही प्रधानमंत्री सहित प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, तीन सेना मुख्य नेशनल वार मेमोरियल उपस्थित रे जो भाई भाव जहाँ कार्यक्रम रही स्वर्ण मशाल प्रज्वलन करेंगे प्रधानमंत्री मोदी आ किसी समय अपेक्षा किसी समय पर प्रधानमंत्री मोदी जाए पहुँचे एवं प्रदीप प्रज्वलन करेंगे। Along with 93,000 troops surrendered to the might of Indian Armed Forces led by General Jasjit Singh Arora. 1971 युद्ध की शौर्य गाथा रचने वाले वीरों का जिक्र करें तो कुछ नाम सामने आते हैं। सबसे पहले फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। He was then chief of the Indian Army in the year 1971. He played a crucial role in delivering India its victory in the liberation war. For his able and skillful leadership, Field Marshal Sam Manekshaw was awarded the Padma Vibhushan and Padma Bhushan, India's second and third largest civilian awards. In January 1973, then General Sam Manekshaw was conferred with the rank of Field Marshal.